सबसे पहले हम एक कटोरी दाल लेंगे और उसे हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। वैसे तो दाल साफ़ आती है बाहर से मार्केट से, पर फिर भी हम उसे एक बार चेक कर लेंगे कुछ हो ना। फिर हम इसे इस भगोने में गेर लेंगे और फिर गेरने के बाद फिर हम इसे पानी से साफ़ कर लेंगे। जो भी अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा वो पानी से निकल जाएगा, जो भी कोई गंदगी होगी। और यहाँ पे हमने जो है अपनी दाल बिल्कुल साफ़ कर ली है, ये देखिए। फिर साफ़ करने के बाद हमने ये दाल को हमने 4-5 सीटी लगवाई है, 3 गिलास पानी गेर के। इसमें हल्दी मिर्च और नमक हमने मिला लिया था। और देखिए ना हमारी दाल ज़्यादा गली है ना ही दाल हमारी ज़्यादा मतलब साबुत है। फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। और यहाँ पे मैंने मिर्च मैं यहाँ पे काट दी थी और अब हम यहाँ पे लगाएंगे तड़का दाल में। हम गैस को ओपन करेंगे और उस पर हम कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई रखने के बाद फिर हम उस कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने देंगे, जिससे कि तेल अगर हम घेरें तो वो थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए। और जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर हम उसमें घेरेंगे तेल। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, चाहे सरसों का हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो या घी हो, कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। फिर जब वो गर्म हो जाए उसमें हम घेरेंगे जीरा। यहाँ मुझे गैस अपना तेज़ करना पड़ेगा। और जब जीरा लाल हो जाए तो फिर हम उसमें घेरेंगे हींग। ये हींग से भी काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, पर ज़्यादा ना घेरिएगा, कम ही घेरिएगा। फिर उस जब हमारा मतलब वो चटक जाए जीरा, फिर उसके बाद हम प्याज घेरेंगे। और ये यहाँ पे कटोरी में थोड़ी प्याज रह रही है, ऐसे भी घेर देती हूँ। फिर जब हमारी प्याज थोड़ी हल्की हल्की लाल होनी शुरू हो जाए फिर हम इसमें घेरेंगे लहसुन। ये भी हम लहसुन थोड़ा सा घेर देंगे जो ये कटोरी में रह गया है। फिर हम इसे चलाएंगे, फिर हम इसका वेट करेंगे जब तक ये हल्के हल्के ब्राउन नहीं होते। फिर हम इसमें गिर देंगे हरी मिर्च। फिर इसमें गिरेंगे हम अमचूर का पाउडर। फिर गिरेंगे इसमें हम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च बोल सकते हो आप। फिर गिरेंगे इसमें धनिया और फिर गरम मसाला। फिर इसको हम चलाएंगे। फिर आप इसे मंदी मंदी आंच में जो है इसे थोड़ा मसाले को इसे पकने देंगे। फिर हम इसमें दाल गिर देंगे। फिर इसमें से हम चलाएंगे चमची से दाल को। अब ये दाल और पानी थोड़ा अलग अलग है, इसे हम जब तक चलाएंगे जब तक ये एक ना हो जाए। फिर इसमें मैंने हल्का नमक गिरा है, ये आप अपने स्वाद अनुसार गिर सकते हैं। जब मैंने दाल उबाली थी तो मैंने उसी टाइम में नमक गिर दिया था, अगर मुझे थोड़ा हल्का लगा तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा हल्का सा नमक और गिर दिया है। और आप भी अपने स्वाद अनुसार नमक गिर सकते हैं। मैं इसे 5 से 10 मिनट तक इसे ऐसे ही उबालूंगी। और जब हमारी दाल थोड़ा मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, दाल का पानी, ये देखिए हमारी यहाँ पे दाल का पानी बिल्कुल, दाल सही हो चुकी है एकदम रेडी। और ये हमारी यहाँ पे दाल बन के तैयार हो चुकी है। और आप ये दाल का एंजॉय करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।